और कैसे सभी ठीक है। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो हम करेंगे 12th क्लास का टॉपिक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज हम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस टॉपिक हम स्टडी करेंगे आज भी। तो कैपेसिटेंस टॉपिक का आज हम इंट्रो लेके चलेंगे, इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ठीक है भाई, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कैपेसिटेंस है क्या भाई? सुनो, कैपेसिटेंस का मतलब है किसी भी मैटेरियल या फिर कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस मैटेरियल की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस। ठीक है, दी प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन स्टोर चार्ज विद इन इट। ठीक है, जिसकी वजह से अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाएगा? कैपेसिटेंस। ठीक है, अब बात आती है भाई कैपेसिटेंस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। क्या चीजें मैंने कंडक्टर को मैंने क्या किया? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स दोनों के बीच में रख दिया। ठीक है, मैंने कंडक्टर क्या किया? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दोनों के बीच में रख दिया। तो इन दोनों के बीच में अगर रखेंगे तो इस पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा, वो सारा हम स्टडी करेंगे। कंडक्टर का मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट हैं। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास में चार्जेस थे। ठीक है, बट दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन कब तक? जब तक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया। जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा? इसका जितना भी चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज क्या होगा? आउटर सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। और आउटर सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा, आउटर सरफेस पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरफ कौन सा आ जाएगा? माइनस चार्ज। इस तरफ कौन सा आ जाएगा? प्लस का चार्ज। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनेगी भाई? व्हेन एवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स होल चार्ज विल शिफ्ट ऑन इट्स आउटर सरफेस। सो वी कैन से चार्ज इनसाइड कंडक्टर विल बिकम जीरो। सो चार्ज की वैल्यू इनसाइड कंडक्टर कितने बन जाएगी? जीरो। ठीक हो गया, क्लियर है बात? पहली प्रॉपर्टी क्लियर है कि जब किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सारा चार्ज जो है ऊपर सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है कि इनसाइड जो चार्ज होती बन जाएगी? जीरो हो जाएगी। सेकंड बात पे आते हैं भाई कि अगर इनसाइड चार्ज जीरो है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो बनेगा। इनसाइड ऑफ कंडक्टर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेशक से जीरो हो बट पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होगा। हम लोगों ने रिलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में, जो कि रिलेशन था इज इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डीआर, इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डीआर। अगर ई जीरो बन जाएगा, इफ इज इक्वल टू जीरो देन माइनस का डीवी अपॉन डीआर दिस इज ऑल्सो जीरो। और इसका मीनिंग क्या है? डिक्रीजमेंट इन पोटेंशियल इज जीरो। जबकि पोटेंशियल में जो डिक्रीजमेंट है वो अगर जीरो होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल बन जाएगा कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया, क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आते हैं भाई कि जो चार्ज हम इसको दे रहे हैं, जो चार्ज हम इसको दे रहे हैं, इसको आउटर सरफेस पे चार्ज आ रहा है। अब वो जो चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो। वो डिपेंड करेगा कि जो फील्ड अप्लाई किया है वो अगर यूनिफॉर्म है तो इस पे चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ऑन
सरफेस ऑफ कंडक्टर मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई कि जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी। अगर मान लेते हैं सपोज यूनिफॉर्म है, और सपोज अगर यूनिफॉर्म है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सिग्मा अगर है तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई? इसका मीनिंग ये होगा कि यहां इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक सीट की वजह से, एक थिन चार्ज सीट की वजह से, वो कितना होगा? इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक सीट की वजह से। और दोनों सीट की वजह से अगर बात की जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड टू बोथ चार्ज सीट, बोथ चार्ज सीट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, मतलब सिग्मा बॉन में एप्साइलन नॉट। याद रखना इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक हो गया, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, जो हमने अप्लाई किया फील्ड, उसकी वजह से जो फील्ड लाइन्स बनेंगी वो क्या होंगी? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स will be always perpendicular to surface of conductor, ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई, अब एक देखो, हमने पॉजिटिव से नेगेटिव एक फील्ड अप्लाई किया, दिस इज ई नॉट, और इस पॉजिटिव से नेगेटिव जो एक सीट ये बनी है उसकी वजह से एक फील्ड बना जिसको नाम दे दिया ईपी, इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है। तो EP और E नोट दोनों ही क्या है? ओपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट जो फील्ड होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? E नोट माइनस का EP इज इक्वल टू रिजल्टेंट फील्ड। बात आ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि अप्लाइड फील्ड जो है और इंड्यूस फील्ड दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में है, और अप्लाइड फील्ड की जो अमाउंट है वो ज्यादा है देन दैट ऑफ इंड्यूस फील्ड, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट फील्ड हमारे पास क्या आएगा? E नोट माइनस का EP के बराबर, क्लियर है बात, कोई तकलीफ नहीं है, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन स्टोर चार्ज विद इन इट, ठीक है, जिसकी वजह से अपने अंदर वो चार्ज को स्टोर कर सकता हो, क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। अब बात सुनो ध्यान से, क्या चीज भाई? मान लिया सपोज आप फोन की बैटरी को चार्ज कर रहे हो, आप फोन की बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो जितना हम उसको चार्ज ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना हमारे पास पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और क्यों बराबर हो जाएगा किसके? सी इंटू वी के, होगा C इंटू वी के, तो Q इक्वल टू बन जाएगा C इंटू वी, और C क्या कहलाएगा यहां पे? कैपेसिटेंस। C क्या कहलाएगा भाई? कैपेसिटेंस, क्लियर बात, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है भाई, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। यूनिट जो है SI यूनिट वो है फैराड, क्या भाई? फैराड, ठीक है। अब इसके बाद फैराड को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, लेकिन आपको एक बात बताऊं, पूरी बुक में आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कभी भी आपको फैराड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या तो माइक्रो फैराड मिलेगा, या माइक्रो माइक्रो फैराड मिलेगा, या पिको फैराड मिलेगा, या नैनो फैराड मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए वो सारी वैल्यूज। माइक्रो फैराड होता है 10^-6 फैराड के, ठीक है। माइक्रो माइक्रो फैराड होता है 10^-12 फैराड, मतलब जिसको 1 पिको फैराड के इक्वल हम बोल सकते हैं, क्लियर बात, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में भाई जो कैपेसिटेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बात आ गई स्केलर क्यों है, क्योंकि हमारे पास में क्यू डिवाइड बाय वी करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? सी। क्यू डिवाइड बाय वी, जबकि क्यों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वी पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है।
देन स्केलर को डिवाइड करते हैं अगर स्केलर से तो रिजल्ट भी आएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, भाई सी किसके बराबर होगा बताओ, क्यू डिवाइड बाई वी था तो क्यू का डायमेंशन होगा 80, चार्ज का क्या होगा 80, वी बन जाएगा हमारे पास डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो क्यू का अगेन बन जाएगा ऊपर 80, और ये पास बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन वर्क का बनेगा एम वन एल टू टी माइनस टू, सोल्व कर दो क्या बनेगा भाई एम माइनस वन एल टू टी फोर ए टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर जो है वो दो टाइप के बताए गए, टाइप जो है इसके कौन कौन से बताए भाई, वन इज फिक्स्ड कैपेसिटर एंड सेकेंड इज वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर का मतलब क्या समझते हैं आप, जिसका कैपेसिटेंस क्या हो फिक्स हो, जिसको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपेसिटर। सिंबल इसका है भाई ये, भाई ये हमारे पास है फिक्स कैपेसिटर, ये हमारे पास में भाई वेरिएबल कैपेसिटर। देखो इसमें और बैटरी में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस कैसे है, बैटरी में क्या होता है एक बड़ा साइन होता है, दूसरा क्या होता है छोटी लाइन होती है, जब इनका डस्ट वाले क्या होते हैं दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, ध्यान रखें, ठीक हो गया भाई, बात समझ गया तक। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं भाई, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है भाई क्यू और वी, इन दोनों की अगर बात करें दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग क्या है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और यहां इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें क्यू वर्सेस वी तो ग्राफ क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ क्या आएगा भाई स्ट्रेट लाइन, और इसका अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूं, क्या निकालूं मैं स्लोप, तो स्लोप मुझे किस चीज की वैल्यू बताएगा बताओ भाई, स्लोप मुझे वैल्यू बताएगा टेन ऑफ थीटा के, फिर स्लोप निकाल सकते हैं पता होगा आपको, जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं उनको पक्का याद होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं टेन थीटा के से, और टेन थीटा की वैल्यू आपकी यहां किसके बराबर होगी भाई डेल्टा क्यू, यह बन जाएगा डेल्टा वी, ये बनेगा तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, जो कि हमारे पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है भाई, क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, वी सी किसके बराबर होगा सिंप्लाइज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा सी इंटू वी, ठीक हो गया भाई, बात समझी। अगर इसके बिहाफ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्यू दे दिया मैंने ये भी दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैपेसिटेंस है सी वन ये कैपेसिटेंस सी टू, देन विच वन इज लोअर, कौन सा कैपेसिटेंस जो है कम है सी वन और सी टू में से भी? देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मतलब उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा ज्यादा होगा, तो C1 और C2 इन दोनों में से, C1 और C2 इन दोनों में से C1 का जो स्लोप है C1 स्लोप इज ग्रेटर देन C2 स्लोप, ठीक है, एंड दैट मींस C2 इज लेस देन C1, हमारा आंसर है, क्लियर है बात भाई पक्का है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई, जो कैपेसिटेंस बताया मैंने आपको उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, प्रिंसिपल से पहले थोड़े बात करते हैं भाई स्फेरिकल जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्फेरिकल कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल मेटालिक ऑब्जेक्ट इसकी हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, सी किसके बराबर होता है क्यू बाय वी, तो क्यू बाय वी टी, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इसका मतलब क्यू से क्यू कैंसिल, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया आपको फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, क्लियर बात डन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में भाई, इसके बाद हमारे पास में सी इज इक्वल टू फोर पाई एफ, और इसके भी यहां पे हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी है भाई, अर्थ की जो कैपेसिटी है निकालेंगे C इज इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर्मूले से, आपको पता है कि वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है किसके नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन के, तो फोर पाई एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, ये बन जाएगा वन
डिवाइड बाय 9 इनटू 10 रे टू पावर 9 मल्टीप्लाई टू आर कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इनटू 10 रे टू पावर 6 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 711 इनटू 10 रे टू पावर -6 इसका मतलब 711 माइक्रोफेराड कितना 711 माइक्रोफेराड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या क्वेश्चन कैन वी प्लेस 1 फेराड कैपेसिटर इन एलमीरा, क्या हम 1 फेराड का कैपेसिटर जो है किसी एलमीरा में रख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए नो। क्या आंसर होना चाहिए भाई नो। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि पूरी अर्थ की कैपेसिटी कितनी है 711 माइक्रोफेराड, पूरी धरती के अंदर इतनी चार स्टोरी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब 1 फेराड का कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे धरती से भी बड़े साइज की रेडियस का कोई एलमीरा बनाना पड़ेगा, और जो कि धरती के ऊपर रखे कहां से भाई बात समझ रहे, ठीक है, जिसका साइज धरती से रेडियस से बहुत बड़ा होगा, उसका मतलब इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेक ए 1 फेराड कैपेसिटर ऑन अर्थ, ठीक है भाई। और आपको बताऊं 9 × 10⁻⁹ मीटर रेडियस जो है रिक्वायर होगी 1 फेराड का कैपेसिटर बनाने के लिए, और जो कि बहुत ज्यादा है देन दैट ऑफ अर्थ रेडियस, दैट्स व्हाई 1 फेराड का जो कैपेसिटर है वो हम किसी एलमीरा के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर है भाई पक्का? ओके थैंक यू भाई।